देसी स्टार समर्थी और पब्लिक एक साथ आज है गोरखपुर में सर, पहली बार आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं चैनल को और मेरे दर्शक देख रहे हैं, रितु जी के दर्शक देख रहे हैं, सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और पहली बार हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है ग्रेट भैया जी की और आज हम लोग गाना शूट कर रहे हैं यहाँ पे गोरखपुर में। बस ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आप लोग देते रहिए। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गाना भी शूट कर रहे हैं और सीन भी कर रहे हैं। तो सीन अभी हम कर चुके हैं और बहुत समर जी, तो आई थिंक मैं काफ़ी दिनों से इनको जानती हूँ और हमने काफ़ी एक अवार्ड फंक्शन भी अटेंड किया हुआ है साथ में। तो ही इज़ लाइक ऑसम ह्यूमन और बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। कुछ इनके लिए जितने एक कलाकार के लिए जितने शब्द कहें कम है। एंड वी आर लाइक लकी कि हम लोग स्क्रीन शेयर पहली बार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा मोमेंट है और अच्छी होप है कि अच्छी फिल्म निकल के आए, हमारी ट्यूरी लोग पसंद करें। राइट, तो कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं हमेशा पूछती हूँ कि यार मेरे को एक्टर कौन है। जब सुना कि समर जी कर रहे हैं तो आई वॉज हैप्पी कि मैंने कभी साथ में काम किया नहीं है, तो एक अच्छा मौका है और अच्छी फिल्म लेके आते हैं दर्शकों के लिए। देसी स्टार है और देसी फिल्म का नाम है ग्रेट भैया जी। जी, देसीपन आप दिखाएंगी समर जी के साथ? देसी मैं खुद हूँ और समर जी भी देसी हैं और हम यहाँ पे यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं, तो जितनी ज़्यादा हमारी जो चलन है, जो भोजपुरी जो मिठास है, हमारी फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हम दोनों की पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे सभी गाने में, फिल्म में, डायलॉग्स में, एंटरटेनमेंट में फुल मिष्ठी मिला जाए। तो आप लोग खुद ही बोलते हैं और हमारा जो भी कॉन्सेप्ट रहता है, काम रहता है, चाहे गाना हो चाहे फिल्म हो, तो हम अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं और हम लोग देसी हैं, सब लोग जानते हैं कि नहीं, हम लोग यूपी बिहार वाले हैं। तो हमेशा चाहते हैं कि अपने मिट्टी को हम लोग दिखाएं लोगों को, अपने यहाँ के कल्चर को दिखाएं, तो वही चीज़ इसमें भी दिखेगी आप लोगों को। और मैं बहुत खुश हूँ कि नहीं, रितु सिंह जी आज हम लोग काम कर रहे हैं दोनों लोग साथ में, तो बढ़िया काम करेंगे मन से दिल से। आज पहला दिन पहला सीन, वो भी प्यार मोहब्बत रोमांटिक, प्यार मोहब्बत से कहीं ज़्यादा। धूप में जल रही है लड़की, इंतज़ार कर रही है, इट्स ट्रू लव। तो हमने सीन किया और अच्छा सीन किया, लाइक अच्छा लगा करके। और रिटेक भी नहीं हुआ ना? रिटेक नहीं हुआ, नहीं हुआ कुछ, रिटेक नहीं हुआ। अरे वन टेक हुआ, वही होता है देसी कलाकार तो देसी। तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुरली सर बहुत अच्छे इंसान है, काम बहुत जल्दी करवा लेते हैं और बहुत प्यार से करवा लेते हैं। तो इस पूरी टीम को, पूरे ग्रुप को दिल से धन्यवाद। प्रोड्यूसर रूपा मिश्रा जी हैं इसकी, उनको भी दिल से धन्यवाद कि हम लोग के ऊपर उन्होंने, उनको कॉन्फिडेंस था और काम कर रहे हैं हम लोग। रूपा जी एक्ट्रेस से फिल्म प्रोड्यूसर बनी है, समर भैया बड़ी तारीफ कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत, वो तो गोरखपुर से बिलोंग करती हैं, मैं रूपा जी को आज से नहीं बहुत सालों से जानती हूँ। एंड जब कोई फीमेल प्रोड्यूसर होती है तो मेरा दिल से एक अलग ही एक लगाव रहता है और हमेशा उनके साथ, कभी काम हमने के साथ में किया नहीं है। और एज ए प्रोड्यूसर मैं उनकी फिल्म में काम कर रही हूँ, दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और मेरे लिए, उनके लिए बस ये दुआएं हैं ढेर सारी कि वो और अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दें इंडस्ट्री को और बहुत ज़्यादा नाम रोशन करें और हम सबको काम करने का मौका मिले, हमारे साथ साथ सभी कलाकारों को काम करने का मौका मिले। तो भैया दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस जैसे प्यार दुलार देते हैं वैसे ही देते रहिए। हाँ, हिट है बॉस। और तहे दिल से हमारी जोड़ी हिट करने का योगदान हमारे फिल्म प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कॉन्सेप्ट को, स्टोरी, गाने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब एक चीज़ें लोग पसंद करते हैं एक पर्दे पर जब उतरने के बाद। तो हमारी जो मेहनत है अगर उसको प्रेजेंट अच्छे से किया जाता है, और मुझे बहुत विश्वास है कि किया जाएगा, बिकॉज मुरली जी एज अ प्रोड्यूसर, उनके साथ मैंने फिल्म की अभी जस्ट आर्मी, और एज ए डायरेक्टर पहली बार कर रही हूँ। तो रूपा मिश्रा जी और मुरली जी और हम सब मिलके कोशिश तो यही है, और दर्शकों से दरख्वास्त है कि आप ये फिल्म को ज़रूर पसंद करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट है भैया जी, तो भैया जी इज़ लाइक यूपी बिहार पावर। तो जस्ट जब फिल्म जल्दी आए और देखना मत भूलिएगा हमारे इस जोड़ी को, हमारे इस कॉन्सेप्ट को। राइट, तो जस्ट सिनेमा हॉल खुल गया है, सिनेमा हॉल फिल्म लगने लगी है,
आपकी फिल्म में आने में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से सिनेमा हॉल? ये तो बहुत खुशी की बात है कि लगभग 2 साल के बाद सिनेमा हॉल खुला। पिछली बार खुला हुआ था कुछ दिन के लिए तो विनाशक रिलीज हुई थी हमारी, और लोगों ने बहुत प्यार दिया था विनाशक को, और इसके बाद लगातार फिल्में आ रही हैं। अब जब भी डेट मिलेगा लोगों को तो मुरली जी आइए ना, और आइए ना प्लीज, आशीर्वाद की कामना करते हैं सभी लोगों से। मैं मुरली जी को ऐड करना चाहूँगी आपके इस फ्रेम में, बिकॉज मैं दिल से इनकी बहुत फ़ैन हूँ। बिकॉज एक अच्छा इंसान जो भी होता है वो सबके दिल में उतर जाता है, और सब अपनी मेहनत से काम करते हैं। और पोलाइट नेचर एंड टैलेंटेड डायरेक्टर मुरली जी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बड़ा लगा, तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती है। और मैंने भी रूपा जी के साथ, अपना ये ऋतु जी के साथ काम किया आर्मी में, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अब दोबारा करो इसलिए याद किया गया कि ऋतु जी आइए कैसे भी, एक एक्सपीरियंस ही रहता है इसलिए लोग याद करते हैं एक दूसरे को। हम सब रॉक करेंगे रूपा जी भी अभी, मतलब सच में मैं बहुत दिल से हूँ इस फिल्म से, बिकॉज रूपा जी जब एज एन एक्टर कोई प्रोड्यूसर बनता है वो बहुत एक अलग लगाव होता है एक एक्टर का, तो हम चाहते हैं कि वो उनको जितना बूस्टअप हम कर सकें हम करेंगे। और इस फिल्म से हमारे एक सिंगर तो आ चुके हैं ऑलरेडी 4-5 साल पहले, अब लगता है नया धमाका शुरुआत हो रहा है, और इंतजार कीजिए, वो हैं हमारे प्यारे समर सिंह। ग्रेट भैया जो टाइटल है समर भैया को परफेक्ट लगा, अरे इसको तो हम बना देंगे ऐसा ना मसाला, फिर पब्लिक याद करेगी। गाने भी हम कर रहे हैं ना? हाँ। तो गाने कोरियोग्राफर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे प्रसून यादव। ओ प्रसून जी आइए आइए। ओ मुझे दिख गए वहाँ पे, वहाँ पे कुछ चोरी से कुछ खा रहे थे, क्या खा रहे हैं आप? मतलब चोरी से कुछ नहीं, वो अकेले खा दादा है, एयरपोर्ट पे भी डांस करने लगते हैं। डांस करना कराना अभी स्टार्ट हो सकता है। प्रसून जी फ्लाइट में बेल्ट बांधते हैं तो वहाँ भी कुछ एक मूवमेंट दिखा देते हैं, इनको एयरपोर्ट वाले खोज रहे हैं, लेकिन अभी इधर आ गए हैं तो अब जाएंगे वापस, जाते टाइम मिलेंगे ना। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है इनको वापस सही सलामत बॉम्बे पहुंचाने की। भैया इनके चेहरे की लालिमा बढ़ गई है, क्या बात है, क्योंकि अभी गाना करना है ना, भूख काफी है। नहीं रात राज ही रहने दीजिए, ये इनका टैलेंट ये कूट कूट के निकलता है, तो ब्लश 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 करते हैं। कारनामे मैं तो अपना मतलब जी जान लगाऊंगा, मेरा हर काम मतलब मेरी कोशिश होती है कि मेरे पिछले काम से ज़्यादा अच्छा, और समर जी के साथ ऋतु जी के साथ मुरली सर सबके साथ हम लोग काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार और कोशिश यही रहेगी कि और अच्छा काम करें, और अच्छा काम कर सकें। ज़्यादा पूछेंगे तो शायद यहीं शर्मा के गिर ना जाएं। आई एम सो सॉरी गाइस, और हमें तुरंत चेंज करना है, और मिलते हैं अपने गाने के गेटअप के साथ आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और लोग चले जाएंगे ना, इधर से आ जाओ, हाँ हाँ जरूरी है, आइए आइए। कंटिन्यू हुई पूरा गेट है घर में, अरे वाकई में खड़ी है। हाँ कुछ नहीं, इतना नहीं जाता है, इतना डिटेल में नहीं जाता है। अरे बाबा इससे पहले घर में, अरे पानी का गाड़ी बेटा मना होते हैं नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हो रहा है भोजपुरी फिल्म ग्रेट भैया जी की शूटिंग, और हम हैं आज ये अपना सहारा स्टेट गोरखपुर, और ये आज के यूनिट है, और ये टीम है, फिल्म की टीम है, मीडिया टीम है, शूटिंग हो रहा है यहाँ पर। समर भैया हैं, ऋतु सिंह जी हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।